फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर थीम को चेंज करेंगे। ये है इन्फिनिक्स के मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको ये इन्फिनिक्स का मोबाइल बताने वाली सीम ही। तो फ्रेंड्स, आप उनसे पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। और सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड थीम का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा माई थीम, इस पर क्लिक करना है। और माई थीम में आप सीधा माई थीम की सेटिंग पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ नया डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाता है थीम का यहाँ पर सेटिंग। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा थीम का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करना है। देखिए, और यहाँ पर नया थीम आप यहाँ से डाउनलोड करके चेंज कर पाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपका मोबाइल नया हो, अगर चाहते हैं कि नए मोबाइल में कुछ आपको नया थीम डाउनलोड करके चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री थीम आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर थीम की बात करें तो यहाँ पर आपको सभी आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये इन्फिनिक्स के मोबाइल में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्री मिल जाता है। वीवो के मोबाइल में नहीं मिलता, वहाँ पर परचेज करना पड़ता है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा वॉलपेपर मिलता है, एक से अच्छे अच्छे मिल जाता है। वॉलपेपर की बात करें या थीम की बात करें, और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे यूज़ करना है। अप्लाई करने से पहले आप चेक कर पाएंगे, कैसे चेक करते हैं ये देखिए, इस पर क्लिक करना है। तो आपको आइकन जो है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सेटिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं, म्यूज़िक जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप अगर फाइल मैनेजर की बात करें तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कैमरा थीम यानी आपको यहाँ पर कैलेंडर, आपको ऑडियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। फोन सेटिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और होम स्क्रीन सेटिंग आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी सेटिंग आपको इस तरीके से लुक में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, तो डाउनलोड करने से पहले आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर कैसे यूज़ लगेगा। यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये देखिए क्लिक करना, आपको यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्लॉक फाइल मैनेजर बिल्कुल चेंज हो चुका है और लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। तो यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, और भी देख लेते हैं इसी में ही। थीम की बात करें तो यहाँ पर आपको थीम तो मिल ही रहा है, तरह तरह की थीम मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पर आइकन ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपका, होम स्क्रीन भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसका जो वॉलपेपर है बिल्कुल काफ़ी लुक, इसका जो काफ़ी प्यारा लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। होम स्क्रीन कुछ ऐसा लुक में देखने को मिलेगा, आइकन आपको कुछ ऐसे शेप में देखने को मिलेगा, ऐसे लुक में देखने को मिलेगा बिल्कुल चेंज। तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। फिर रोज जो है ब्लू कलर का भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। नेक्स्ट आपको बताते हैं यहाँ पर, और भी आपको चेंज करके बताएं तो यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करना है। तो ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, डार्क बिल्कुल डार्क थीम की तरह लग रहा है, जैसे कि डार्क थीम ही बिल्कुल ही। और यहाँ पर जो यहाँ पर आइकन की बात करें तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर फ्री मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, आपको दोबारा आपको पुराना वॉलपेपर लगाना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वॉलपेपर नहीं, सॉरी, यहाँ पर थीम लगाना हो, तो आप कैसे चेंज करेंगे ये भी मैं आपको बता दूँगी यहाँ पर। तो चलिए, किसी एक को मैं आपको डाउनलोड करके अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे रोज़ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर कम लगा हुआ देखते हैं। इसी पर क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। देखते हैं फ्री है या नहीं, ये ऑफकोर्स फ्री है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है, अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए अप्लाई हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो लुक है पहले से जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो यहाँ पर आपको थीम मिला था उससे काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से नया मोबाइल है तो आप कुछ नया डाउनलोड करके यहाँ पर सेट कर पाएंगे बिल्कुल न्यू मोबाइल में। आपको पुराना मोबाइल भी है तो कुछ उसमें नया डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके थीम और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सैमसंग में भी आपको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है। सैमसंग की बात करें तो उसमें भी आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इसी तरीके से आपको इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थीम बिल्कुल चेंज हो चुका है, आइकन चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसी के तरीके से आपको यूज़ कर लेना है, और भी थीम्स आप चेंज कर पाएंगे यहाँ पर। आप जैसे कर देख पा रही हैं, काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है। और यहाँ पर होम स्क्रीन कुछ ऐसा लुक में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बाकी एप्लीकेशन तो आपको देखने को मिल ही रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट आपको पुराना वॉलपेपर लगाना है, सॉरी थीम लगाना है, तो उस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको ऑप्शन है लोकल, लोकल पर क्लिक करना पे। और यहाँ पर देखिए लोकल सेट करना है तो उस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे आप। तो ये देखिए लोकल पुराना पहले जैसा फिर से यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, आपको डाउनलोड करना है तो सेट कर यहाँ पर कर पाएंगे आप। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।